लोग मार्वल वालों ने दिवाली का गिफ्ट दे दिया यार, कल रात में ही एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया का फर्स्ट ट्रेलर दे दिया। तो यारो ये बहुत अमेजिंग था। तो चलो तो यारो यार ये ट्रेलर हमें बताता है कि एवेंजर्स एंड गेम के इवेंट्स के बाद अपना स्कॉट लैंग बहुत खुशी से अपनी जिंदगी को जी रहा है। यहाँ यार सब उसे जानने लगे हैं, वो रेड कार्पेट में जा रहा है। बट यार ये जब ट्रेलर स्टार्ट होता है कॉमेडी सीन्स के साथ, बट जब ये खत्म होता है पूरी तरीके से डार्क तरीके से उसके साथ, गाइज ये यार ये फेस 5 को स्टार्ट करेगा, तो हमें पता चल रहा है कि यार मार्वल ने यहाँ अपना कमाल दिखाया है। उसके बाद गाइज हमें पता चलता है कि कैसी लैंग जो है गाइज वो है भाई हमारे स्कॉट लैंग की डॉटर यार, और वो भी अब अच्छी बड़ी हो चुकी है। उसके बाद गाइज वो हमें पता चलता है कि उसने एक डिवाइस बनाया है जो यार सिग्नल भेज रहा है क्वांटम रिम के अंदर। उसके बाद गाइज जेनेट वैन डाइन उसे मना करती है कि यार इस डिवाइस को बंद कर दो, बट वो उसे बंद करती उससे पहले ही कांड हो जाता है और वो लोग चले जाते हैं क्वांटम रिम के अंदर। वहाँ से यार फिर पूरा मज़ा स्टार्ट होता है यार, जो बैकग्राउंड म्यूजिक स्टार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, और यार वो पूरी तरीके से यार इस ट्रेलर में मस्का लगाने का काम करता है यार। वो बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज़्यादा अच्छा था, आई डोंट नो वो कौन सा म्यूजिक था। उसके बाद गाइस हमें पता चलता है यार कि जो मार्वल की सीरीज के अंदर पैसा बचा रहा था मार्वल, वो यहाँ लगा रहा था। वो यार जो VFX था यार क्वांटम रिम के अंदर जो खूबसूरती से उन्होंने दिखाया है वो बहुत ज़्यादा अच्छा था यार। क्वांटम रिम उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। उसके साथ साथ गाइस हमें पता चलता है कि एंटमैन की पूरी फैमिली वो लोग यहाँ से आकर फंस गए हैं, इसलिए वो लोग छुप कर रह रहे हैं कैंग दी कॉन्करर से, बिकॉज ऑफ यार ये कैंग दी कॉन्करर का किंगडम है क्रोनोपोलिस। उसके साथ साथ गाइस एंटमैन और वॉस्प का हमें एक नया अपग्रेडेड सूट देखने को मिलता है जो पहले वाले सूट से और ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद गाइस हमें कैंग के कुछ कमांडोज देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ गाइस हमें पता चलता है यार, हमें आपको बता दूँ कैंग यहाँ इसलिए रहता है बिकॉज ऑफ यार यहाँ टाइम का और दूसरे यूनिवर्सेस का कोई लेना देना नहीं होता, यहाँ टाइम भी काम नहीं करता इसीलिए। और इसके साथ साथ यार कैंग यहाँ से टाइम ट्रेवल भी कर सकता है, और हमें पता चलता है यार कैंग को एंटमैन से कुछ चाहिए, इसलिए वो यार उससे मदद चाहिए उससे, इसलिए यार वो एंटमैन को मनाने की कोशिश कर रहा है प्यार से, बट यार एंटमैन भाग रहा है। उसके साथ साथ गाइस हमें पता चलता है यार कि यार कैसी लैंग भी एक सुपर हीरो है और उसने भी अपना सूट पहना हुआ है। उसके बाद गाइस हम देखते हैं कैंग दी कॉन्करर का सूट का फर्स्ट लुक, जहां हम देखते हैं हमने उससे ब्लू वाले हेलमेट में बहुत ज़्यादा धमाकेदार था। उसके बाद गाइस हम उसका सूट देखते हैं ग्रीन और ब्लू वाला जो यार पूरी तरीके से कॉमिक एक्यूरेट था और वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद गाइस हम एंड में देखते हैं यार कि एंटमैन खड़ा होता है और वहां चलकर आता है अपना कैंग दी कॉन्करर, जहाँ यार वो आता है तब हमें उसका विदाउट हेलमेट भाई देखने को मिलता है उसका सीन, जहाँ हम देखते हैं जोनाथन मेजर्स की एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है हमें वहाँ पर। उसके साथ साथ गाइस यार ये भाई मार्वल वालों ने यहाँ अपने फॉर्म पर आए हैं वो, यार उन्होंने जो डार्क दिखाया है ना यार क्या ही बताएं यार। साथ साथ यार हमें देखते हैं कि कैंग दी कॉन्करर के फेस में स्कार्स बने हुए हैं, इनफैक्ट यार ये पूरा वॉरियर वर्जन का कैंग दी कॉन्करर है, ही रिमेंस का बाप है ये। उसके बाद यार पता चलता है यार कैंग दी कॉन्करर की एंट्री हो गई है, मार्वल वालों ने यहाँ पर आग लगा दी है, आग दिवाली के मौके पर यार। उसके साथ साथ यार ये ट्रेलर खत्म हो जाता है यार, हमें एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया का एक नया लोगो देखने को मिलता है। उसके साथ साथ गाइस ये ट्रेलर बहुत ज़्यादा औसम था, और यार एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार, बहुत ज़्यादा। अब बताओ आपको आज की वीडियो कैसी लगी और ट्रेलर कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर सेट कर दो, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।